बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। और आज मैं बना रही हूँ खुबानी का मीठा, वो भी मेरे स्टाइल में। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 किलो खुबानी ली है और उसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगा लिया था। और अब जो है खुबानी नरम हो चुकी है, तो अब मैंने इसमें से जो है वो बीज निकाल ली हैं। तो ये देखें, इस तरह बीज हम जो है वो अच्छे से निकालेंगे, वरना खाने में जो है वो बीज आ जाएंगे तो वो फिर बुरे लगते हैं। और अब मैंने जो है हाई फ्लेम पे जो है चढ़ा दिया है और अब हम इसको बॉयल आने दे देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे बॉयल भी आ चुका है। और अब जो है मैं इसको एक दाल गोटनी की मदद से जो है इसको गोट लूँगी। और फिर और इस दौरान जो है मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है। थोड़ी देर तक हम इसको जो है इसी तरह घोटते रहेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसे घोटेंगे। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाएं और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो भी बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ब्यूटीफुल सा कमेंट करें अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है। तो अब मैंने यहाँ पे जो है 1 पाव चीनी ऐड कर दी है। चीनी जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पकाने के बाद ही ऐड करी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद यहाँ पर हमारी खुबानी को हम ठंडा कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत से बाउल में जो है डिश आउट कर दिया है सर्व करने के लिए। और अब देखें, उसको मैंने जो है ऊपर से कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है। वो मैं आपको दिखाना भूल गई क्योंकि मेरे घर में तकरीब थी तो मुझे टाइम नहीं मिला इसका क्लिप बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। और देखें, अब मैंने इस पर से जो है बादाम भी डेकोरेट कर दिए हैं ऊपर से। तो बस यहीं पे हमारी आज की रेसिपी ख़त्म होती है। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और इजी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।